नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टुडे हिमाचल पर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। SOS की 10वीं 12वीं कक्षा के प्रैक्टिकल एग्जाम 15 मार्च से, यहां देखिए पूरी डेट शीट। हिमाचल के लोगों को महंगे पेट्रोल और डीजल से मिलेगी राहत, क्या बोले जयराम जानिए। हिमाचल में बड़ा हादसा, चलती जीप पर गिरी पहाड़ी, 4 की मौत, कुछ मलबे में दबे, क्या इसे कहते हैं विकास। मुख्यमंत्री के गृह जिला में 15 वर्षों से लटका है पुल का काम। हिमाचल में ट्रक और टैक्सी यूनियंस ने 30% तक बढ़ाया किराया, यहां देखें। स्कूल में औचक निरीक्षण, प्रिंसिपल समेत 3 शिक्षक और क्लर्क नदारद। मंडी अंबाला के व्यापारी से बिना बिल पकड़े 57.50 लाख के आभूषण। स्टील या पीतल के बर्तनों में पकेगा अब मिड डे मील। कुल्लू में 10 किलो चरस के साथ महिला समेत 2 गिरफ्तार। युवक युवती के बीच बहस और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हिमाचल में बदलेगा मौसम, 3 दिन बारिश, ओलावृष्टि और अंधर का अलर्ट, बर्फबारी के भी आसार। और इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें अपना सपोर्ट भी कीजिए। चलिए नजर डालते हैं खबरों पर डिटेल में। SOS की 10वीं 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल एग्जाम 15 मार्च से, यहां देखें पूरी डेट शीट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के राज्य मुक्त विद्यालय की 10वीं व जमा 2 कक्षा की प्रैक्टिकल एग्जाम 15 मार्च 2021 से 22 मार्च 2021 तक संचालित की जा रही है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि मार्च 2021 राज्य मुक्त विद्यालय की प्रैक्टिकल एग्जाम के अंक राज्य मुक्त विद्यालय के अध्ययन केंद्रों के यूजर लॉगिन से नियमित परीक्षार्थियों की प्रैक्टिकल एग्जाम के अंकों की तरह ही ऑनलाइन प्रेषित किए जाएंगे। इसके लिए अध्ययन केंद्रों के यूजर पर ऑनलाइन फीडिंग का विकल्प दिया गया है। राज्य मुक्त विद्यालय के अंतर्गत केवल इस सत्र में ही प्रायोगिक परीक्षाएं लिखित परीक्षा से पहले संचालित की जा रही हैं। हिमाचल के लोगों को महंगे पेट्रोल और डीजल से मिलेगी राहत, क्या बोले जयराम जानिए। हिमाचल वासियों को पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से अभी राहत की उम्मीद नहीं दिखती। जयराम सरकार का फिलहाल लोगों को राहत देने की कोई योजना नहीं, ऐसे संकेत खुद सीएम जयराम ठाकुर ने शिमला में मीडिया से बातचीत में दिए। नीति आयोग की बैठक के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने जब लोगों को पेट्रोल पदार्थों की बढ़ती कीमत से राहत देने के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार बजट तैयार करने में लगी है, आने वाले समय में इस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महंगाई का दौर है और केंद्र सरकार महंगाई से राहत देने के मामले में गंभीर है। हिमाचल में बड़ा हादसा, चलती जीप पर गिरी पहाड़ी, 4 की मौत, कुछ मलबे में दबे। हिमाचल में मंडी में सीएम जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र सराज के कलहड़ी के पास बड़े हादसे की जानकारी आ रही है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार एक चलती जीप पर पहाड़ी गिरी, इसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 7 को सुरक्षित निकाल लिया गया और कुछ मलबे में दबे हैं। दबे लोगों को स्थानीय लोग अपने स्तर पर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा कलहड़ी के साथ लगे बनोठी के पास हुआ। बताया जा रहा है कि स्थानीय देवता कहीं मेहमान नवाजी में गए हुए थे और उनके साथ देवलू भी इसमें शामिल होने के लिए गए थे। मेहमान नवाजी से लौटते वक्त देवता के रथ वाली गाड़ी आगे निकल गई और उसके पीछे चल रही एक अन्य जीप पर पहाड़ी से मलबा आ गिरा। बताया जा रहा है कि मलबा बहुत भारी मात्रा में आया। जीप पर मलबा गिरने के बाद ये जीप मलबे के साथ काफी नीचे तक चली गई। स्थानीय लोगों को जैसे ही घटना की सूचना मिली तो उन्होंने अपने स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 7 लोग घायल हैं। अभी भी मलबे में 6 से 7 लोगों के दबे होने की सूचना है। क्या इसे कहते हैं विकास। मुख्यमंत्री के गृह जिला में 15 वर्षों से लटका है पुल का काम। तत्तापानी स्लापर रोड पर बनने वाला यह नीरी खड्ड पुल है जिसका निर्माण कार्य लगभग 2009-10 में शुरू हुआ था, जो 2014 में पूरा होना था, लेकिन ये कार्य आज तक पूरा नहीं हो पाया। इस पुल के बनने से बहुत सी पंचायतें लाभान्वित होंगी, जिसमें प्रमुख रूप से धवाल, बटवाड़ा, धनियारा, हाड़ा, बोही, सोझा व तत्तापानी इत्यादि पंचायतें शामिल हैं। सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था। इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा था कि वो खुद इस पुल की मॉनिटरिंग करेंगे, जिसके बाद कुछ समय के लिए काम शुरू भी हो गया था, लेकिन अब ये काम लगभग 15-20 दिनों से बंद पड़ा है। हिमाचल में ट्रक और टैक्सी यूनियंस ने 30% तक बढ़ाया किराया, यहां देखें। पिछले दिनों से लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों का असर हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिला। प्रदेश के टैक्सी और ट्रक यूनियंस ने 30% तक किराया बढ़ा दिया है।
इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। कोरोना काल में पहले से खराब माली हालत से गुजर रहे लोगों को अब महंगाई ने झटका दे दिया। डीजल के दाम बढ़ने से निर्माण सामग्री भी महंगी होगी और राशन की कीमतें भी बढ़ रही हैं। किसान बागवान भी महंगाई की चक्की में पिसेंगे। बीबीएन में ट्रक यूनियन किराया बढ़ाने का दबाव बना रही है, ऐसे में उद्योगों पर भी मार पड़ेगी। स्कूल में औचक निरीक्षण, प्रिंसिपल समेत 3 शिक्षक और क्लर्क नदारद। कोरोना महामारी के बाद सरकारी स्कूल खुल गए हैं, लेकिन कई शिक्षकों का मन अभी भी स्कूल आने का नहीं है। ऐसा खुलासा चंबा में स्कूलों के औचक निरीक्षण के दौरान निरीक्षण विंग की टीम ने किया। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले निरीक्षण विंग की टीम शुक्रवार सुबह वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बतौट पहुंची। यहां प्रधानाचार्य समेत टीजीटी मेडिकल, ड्राइंग मास्टर, प्रवक्ता, क्लर्क और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। प्रधानाचार्य 17 फरवरी के बाद स्कूल नहीं आए थे और छुट्टी भी मंजूर नहीं करवाई थी, जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी 15 फरवरी दोपहर बाद से स्कूल नहीं आया। इसके बाद चीम प्राइमरी स्कूल बतौट पहुंची, जहां दोनों जेबीटी शिक्षक नदारद पाए गए। एक जेबीटी अध्यापक 15 फरवरी और दूसरा 16 फरवरी दोपहर बाद से स्कूल नहीं पहुंचा। अंबाला के व्यापारी से बिना बिल पकड़े 57.50 लाख के आभूषण। हिमाचल प्रदेश के मंडी के करसोग में अंबाला के कारोबारी से बिना बिल के 57.50 लाख के आभूषण बरामद किए गए। इस पर 3.65 लाख का कर और जुर्माना लगाया। कारोबारी ने इसका भुगतान मौके पर ही कर दिया। रात को बस से करसोग पहुंचा कारोबारी सीधा बाजार की ओर गया। इसके हाथ में 2 बैग थे। टीम ने शक के आधार पर कारोबारी का पीछा किया। कारोबारी के दोनों बैगों की तलाशी ली गई। इस दौरान बैग से करीब 850 ग्राम सोने और 14 किलो चांदी के आभूषण बरामद किए गए। कारोबारी आभूषणों का बिल नहीं दिखा सका। आभूषणों की कुल कीमत 57.50 लाख आंकी गई। विभाग की टीम में सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी करसोग के साथ राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी नरेश कुमार, इंद्र राठौर सहित कर्मचारी कुंदीराम शामिल रहे। स्टील या पीतल के बर्तनों में पकेगा अब मिड डे मील। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा तक विद्यार्थियों के लिए मिड डे मील बनाने के लिए लोहे के बर्तनों का प्रयोग नहीं होगा। स्टील या पीतल के बर्तनों में बच्चों के लिए भोजन बनाया जाएगा। खाद्य सुरक्षा विनियमन विभाग ने इस बाबत प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को निर्देश जारी कर दिए। नए शैक्षणिक सत्र से मिड डे मील योजना के तरीकों में बदलाव किया जाएगा। इस बारे में मिड डे मील बनाने वाले वर्कर्स को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा विनियमन विभाग की ओर से करीब 22,000 मिड डे मील वर्कर्स को प्रदेश भर में प्रशिक्षण दिया जाएगा। कुल्लू में 10 किलो चरस के साथ महिला समेत 2 गिरफ्तार। कुल्लू पुलिस ने चरस की बड़ी खेप पकड़ी है। भुंतुर मणिकर्ण सड़क पर छरोड़ नाला के पास झील मोड़ पर पुलिस ने 10 किलो चरस के साथ एक महिला व उसके साथी को गिरफ्तार किया। नेपाली मूल के दोनों आरोपी शुक्रवार रात को जरी की तरफ पैदल जा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस की एक टीम ने छरोड़ नाला के पास झील मोड़ पर नाका लगाया था। इस दौरान पुलिस ने सामने से एक महिला व पुरुष को आते देखा। पुलिस को देखकर दोनों घबरा गए। पुलिस ने उनसे पूछताछ की। तलाशी लेने पर जोग बहादुर 39 निवासी धवाड़ जिला रोलपा आंचल राप्ती नेपाल और दिल कुमारी 45 घरती निवासी वार्ड नंबर 5 गांव तकसेरा जिला रुकम आंचल राप्ती नेपाल के कब्जे से 10 किलो 139 ग्राम चरस बरामद हुई। युवक युवती के बीच बहस और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के उपमंडल अंब के तहत एक गांव में युवक और युवती के बीच बहस और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि उस स्थान पर आर्मी की भर्ती की ट्रेनिंग के लिए संभवतः युवक युवतियां एकत्र थे। इसी दौरान एक युवक और युवती में किसी बात को लेकर बहस और फिर मारपीट हो गई। वीडियो में युवती कह रही है कि उसने क्यों मुझे मारा। इसी दौरान एक युवक उसके साथ फिर मारपीट करने लगता है, जिस कारण अन्य लोगों को बीच बचाव के लिए आना पड़ता है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो क्षेत्र में चर्चा का केंद्र बन गया है। हिमाचल में बदलेगा मौसम, 3 दिन बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ का अलर्ट, बर्फबारी के भी आसार। हिमाचल प्रदेश में रविवार से मौसम में बदलाव आएगा। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 26 फरवरी तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों में 22 से 24 फरवरी तक बारिश, अंधड़, ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी हुआ है। इस दौरान तापमान में कमी दर्ज होने की संभावना है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला में रविवार को भी बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। अन्य क्षेत्रों में बादल छाए रहने के आसार जताए गए हैं। शनिवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में सामान्य से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई।